dear students, in this series of lectures, this is the second one, and in this uh, lecture we shall introduce the role of expectations in the phillips curve. Uh, more recently, the economists have preferred to use the expectation augmented version of the phillips relation. so after the development of adaptive phillips relation, we are now coming towards uh, a more recent version, this expectations ka kirdar kirdarham shamil kirdarham. सो so, ये है वो फ़िलिप्स कर्व जिसके अंदर हमने एक्सपेक्टेशंस को शामिल कर दिए जो पाई है बेसिकली वो एक्सपेक्टेशंस को मेजर कर रहा है और जी उसके साथ कॉफिशेंट है और आपने देखा कि डब्ल्यू के साथ हमने उसे इंट्रोड्यूस करवाया जो ओरिजिनल फ़िलिप्स रिलेशन में था और अनएम्प्लॉयमेंट इज़ देयर विद इट्स फंक्शन विच इज़ नॉट एक्सपलिसिटली मैंशनड उसके बाद आ, ये जी पाई को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट है पाई और ओवरऑल जब जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताएगा हमें एनहांस्ड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस ऑन वेजेस सो चूंकि एनहांस कर देगा क्योंकि ऑलरेडी एक इन्फ्लेशन uh, का असर तो है ही लेकिन इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो इस रिलेशनशिप को इन्हांस कर देती हैं उसकी कंट्रीब्यूशन होती है और वो कंट्रीब्यूशन इस टर्म से कैप्चर हो रही है फ्रेडमेन हु इज द नॉबल लॉरिएट एंड ही बेसिकली सजेस्टेड इफ एन इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हैज़ बीन सेट इन फॉर ए लॉन्ग टाइम वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड काफ़ी अर्से से रहे इन द इकॉनमी तो लोग वैसी एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लेते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि दीज यू नो दीज राइजिंग ट्रेंड्स ऑफ प्राइस विल कंटिन्यू सो उस चीज़ को हम शामिल करेंगे इन आवर मनी वेज डिमांड्स रिलेशनशिप सो डब्ल्यू शुड बी एन इनक्रीजिंग फंक्शन ऑफ पाई एंड दैट इज के इन दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप हो जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन की उम्मीद करेंगे लेबर उतनी ज़्यादा वो वेज डिमांड करेंगे और उसमें इंक्रीज डिमांड करेंगे सो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ऑल्सो इनकॉपरेट दी एडाप्टिव रिलेशन ऑफ द फिलिप्स कर्व सो हम इसमें अब शामिल कर लेते हैं अडाप्टिव वर्जन को जिसमें वेज की जगह इन्फ्लेशन रेट था तो आप देख रहे हैं वेज की जगह अब हमने इन्फ्लेशन रेट वाला जो वर्जन है उसे यूज़ किया ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डेवलप किया था इसमें जो नई चीज ऐड की है वो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन हैं जो कि आप देख रहे हैं जी की पैरामेट्रिक रिस्ट्रिक्शंस बताई हुई हैं सो so, ये बनती कैसे हैं आप इसका अब देखेंगे तरीकाकार आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग पाई जब हमने एक्सपेक्टेशंस को इंट्रोड्यूस करवा दिया इट्स मीनिंगफुल टू असेस हाउ पाई इज आर फॉर्म ये बनती कैसे एक्सपेक्टेशंस वो देखेंगे हेयर वी एज्यूम दी एडेप एक्सपेक्टेशन हाइपोटिस हम भी एज्यूम करते हैं है आपको याद होगा कि दो किस्म की ब्रॉडली स्पीकिंग एक्सपेक्टेशंस होती हैं अडेप्टिवर्स रैशनल एक्सपेक्टेश तो अडेप्टि बेस करती हैं पास्ट ट्रेंड्स के ऊपर और रैशनल बेस करती हैं ना सिर्फ पास्ट ट्रेंड पे बल्कि ऑल अवेलेबल मार्केट इंफॉर्मेशन दैट वी कैन गेट सो दे आर नॉट जस्ट बेस्ड अपॉन पास्ट बट दे आल्सो ऑब्जर्व द करंट सिचुएशन सो यहाँ पर हम सादगी के लिए आसानी के लिए अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस एज्यूम करेंगे एग्जिस्ट करती हैं और रैशनल एक्सपेक्टन्स को साइड पर रखेंगे ये थेरी आप पढ़ सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी आपने पढ़ ली है ये रैशनल एक्सपेक्टेशन की थेरी है रीड इट यूर सेल्फ या आप खुद पढ़ सकते हैं कि ये क्या चीज़ कह रही है मैंने आपको सादा अल्फाज में बता दिए अब ये जो आप देख रहे हैं फाइनली हमने इनकोपरेट किया है एक्सपेक्टेशन को और हम बता रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशन अगर पाई से शो हो रही हैं तो उनका जो रेट ऑफ चेंज है वो उसके डरेवेटिव से शो होगा हो और ये डायरेक्टली प्रपोशन होगा डिस्क्रिपेंसी के या फ़र्क के बिकॉज uh, एक हमारे पास जो इन्फ्लेशन का रेट है वो एक्चुअल है जो मार्केट में एग्जिस्ट करता है एक हमने एक्सपेक्ट किया था जिसे पाइस शो किया था तो इसमें जितनी डिस्क्रिपेंसी होगी उसी स्पीड से चेंज आएगी इन दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ दी इन्फ्लेशन तो एडजस्टमेंट कोफिशेंट जो है वो हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जो कि इट्स हैविंग अ फ्रैक्शन डेसिमल वैल्यू है पॉजिटिव है ताकि रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप रहे इनवर्स रिलेशनशिप ना हो सो so, हमने इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर कंसिडर किया है आप देख रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी है कि इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से ज़्यादा हो इसका मतलब यह कि एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा है एक्सपेक्टेड वैल्यू कम सो so हमें अपग्रेड करना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ दी इन्फ्लेशन को और अगर इसका उल्ट मामला हो दैट इज़ करंट इन्फ्लेशन ज़्यादा हो हमारे आम, आम, कम हो हमारे एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इन्फ्लेशन से तो फिर हम अब जो एक्सपेक्टेड लेवल इन्फ्लेशन था उसे हम डाउनग्रेड करेंगे या डाउनवर्ड्स मूव करेंगे ताकि वो इक्वालिटी आ जाए और डिस्क्रिपेंसी ना हो और अगर हमारा गैस बिल्कुल ठीक था दैट इज़ जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन थी दैट वाज इक्वल टू दी करंट इन्फ्लेशन एक्चुअल इन्फ्लेशन तो फिर देर इज़ नो नीड फॉर एनी एडजस्टमेंट तो ये जो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं यही हम लास्ट स्लाइड में देख रहे थे कि ये वो रिलेशनशिप है जो तीनों पॉसिबिलिटीज को समराइज करता है रिलेशनशिप को शो करता है उसके बाद इसकी इंटरप्रटेशन फाइनली ये होगी दैट द इन्फ्लेशन इनफ्लेशन आर इनकॉपरेटिड इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम जो एक्सपेक्टेशन हैं इन्फ्लेशन की उसे किस फॉर्म में शामिल करें एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन की फॉर्म में बिकॉज इट्स इट्सन रेट ओवर टाइम दे इन्फ्लेशन जो हम गेस करें दैट विल बी अप टू अ अपर्टन लेवल लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है जो इसे डिफर करती है और वो है कि हमने इसे प्रिसाइसली एक्सप्लेन कैसे किया कि इसके अंदर जो रेट रेट ऑफ चेंज आता है एक्सपेक्टेड uh, इन्फ्लेशन में वो क्या है वो हमने ज्यूम किया कि एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन expect, uh, का वर्जन uh, एग्जिस्ट करता है रैशनल एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट नहीं करती और उसको मेजर करने का तरीका ये है कि इस इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेड रेट का डेरिवेटिव ले लिया जाए जो कि इसके इक्वल होगा सो so, यहाँ तक हमने एक्सपेक्टेशंस को इन्वॉल्व किया इन दी फ़िलिप्स कर्व और फर्दर हम इसे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे थैंक यू